हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जगुरिया और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने स्नैप ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं। हमारे यहाँ देखिए मौसम कैसे खराब हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। बारिश की बूंद भी आ चुकी है, बाकी यहाँ पे आ रही है छोटे छोटे बच्चे आज घर में। ये देखिए, ये हमारा पोता है और ये देवरानी के बच्चे हैं दोनों। और दीदी जी भी आ रखी है, गाय चलाने के लिए दीदी जी भी आ रखी है। तो आप यहाँ पे खड़ी है और दीदी की गाय ना वहाँ पे चल रही है। तो मैं हूँ आप तैयार और मैं जा रही हूँ। बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही कि मैं गांव आ रखी हूँ और यहाँ पे जो है, तो हमारे गांव में जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, मतलब लेडीज़ क्या, सभी लोग गढ़वाली में ही बात करते हैं। तो मैं भी उनके साथ गढ़वाली में ही बात करूँगी। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हिंदी में ही बात करूँ तो सब बोलेंगे कि मतलब कैसे बदल गई एकदम से। तो मैं भी सबके साथ गढ़वाली से ही बात करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर कुछ हमारी भाषा समझ में ना आए, बोली भाषा, क्योंकि हमारी गढ़वाली भी हर तरह की अलग अलग गढ़वाली होती है, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अब चलती हूँ मैं। देखिए इनके पीछे ना यहाँ पे गाय भाग रही है, गाय भाग रही है ना, प्रिंस के पीछे गाय पड़ गई। प्रिंस भी तैयार हो चुका है शादी में जाने के लिए। आज प्रिंस बारिश आ जाएगी, आ जाओ, आओ दीदी। ये देखिए किस तरह से कमाई चल रही है। और ये ब्लॉग मैं शाम को इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि अब शादी का ब्लॉग बनेगा। बारात पता नहीं कितनी लेट आएगी, बहुत दूर जा रही है बारात, पता नहीं कितने बजे तक आएगी। आ गई गाय माता भी आ गई, आ जाओ आ जाओ, चलो मारती भी आओ। हैं नहीं मारते, क्यों मारेगी? आ गाय ले जाती, गाय है गाय माता, हमको कुछ नहीं आता ना। ना तुम चार दीदी, चार चार ही करना है। हैं कोई बात नहीं। और ये है हमारे गाँव का शाम के टाइम का मौसम, मतलब जून का महीना चल रहा है लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो दीदी जी ने ना स्वेटर नहीं पहन रखी, तो इस तरह से साड़ी का पल्लू, साड़ी के पल्लू से ही इस तरह से ढके हुए हैं ठंड से बचने के लिए। बाकी मौसम आप लोग देख ही सकते हो कि अभी शाम हो रही है और कितना खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। और हमारे छज्जे के ऊपर ना गेहूँ भी रखे हैं, तो ये ना दूसरे वाले जी ठंड लोगों के, तो इनकी दाई भी निकालेगी, अभी कल निकालेंगे परसों निकालेंगे, जब उनकी मर्जी होगी, जब उनको टाइम होगा। तो दादी जी तो गए शादी में, दिव्यांश भी जा रखा है, बाकी प्रिंस और मैं अब चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बहू रानी, और जो कि कब की गांव आ रखी है, और इसकी शक्ल थोड़ा चेंज हो रखी है गांव में आके। कुछ दिन बाद मेरी शक्ल भी ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पहले आ गए थे, एक महीना हो गया जी। तो इसकी शक्ल चेंज हो गई, एक दो दिन में मेरी भी शक्ल चेंज हो जाएगी। गाँव का, हमारे गाँव का पानी कुछ ऐसा ही है। तो अब चल रहे हम लोग भात खाने, खाना खाने जा रहे हैं भात खाने, भात खाने। तो ये आज का जो ब्लॉग होगा ये नाइट ब्लॉग है। तो चलते हैं, हमारे साथ है पूरी बच्चा पार्टी। नहाएगी तीन द्वार अली द्वार दिया तब ला दे। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अब हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय। अभी तक बारात तो आई नहीं, तो हम लोग तब तक जो है तो बारात का इंतज़ार भी कर रहे हैं और चाय का आनंद भी ले रहे हैं सभी दोस्त यहाँ पे मिलके, मतलब शादी में तो सभी मिलते हैं। तो दोस्तों अब बारात आ चुकी है और अब यहाँ पे बारात का स्वागत हो रहा है, जैसे कि हमारी गढ़वाली में होता ही है। तो आप लोग भी बारात देखिए और हम भी देखते हैं। Thank you.
अब दुल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठ चुके हैं और लोग यहाँ पे अब फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे एक एक करके, तो मैं भी जाऊंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है और अब डांस देखते हैं। तो दोस्तों अब चल रहा है यहाँ पे मुंह दिखाई की रस्म और काफ़ी देर से चल रही है, तो बहुत सारे लोग थे, तो जब तक हमारा नंबर आया तब तक हमने डांस किया, तो अब मेरा नंबर आ चुका है मुंह दिखाई का, तो मैं भी आ चुकी हूँ। तो दोस्तों मुंह दिखाई की रस्म के बाद यहाँ पे अब हो रहा है कपल डांस। Mama,
दोस्तों टाइम हो चुका है सुबह के चार सुबह के चार बज चुके हैं, अभी तक भी जो है तो हम लोग जाग रहे हैं। और अब आ गई मैं अपनी बड़ी वाली सास जी लोगों के घर में, अब सोएंगे थोड़ी सी। ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? अरे हमें शर्म आती है, वैसे इनको शर्म आती है। अब हम लोग सोने के लिए आ चुके हैं, सोने के लिए चार तो बज चुके हैं, थोड़ा सा चाय बनाते हैं। सही में वही चाय बनाते हैं, फिर सुबह अपने घर चले जाते हैं बना रहे हैं। ये झूठ बोले, कोई चाय नहीं बनेगी, किचन में जाने किसी हिम्मत नहीं होगी। नाच नाच के सब थक चुके हैं, नाच नाच के सब थक चुके हैं। ये हमें उल्लू बना रहे हैं। ना ना मैं बनाऊंगा, भाई भी आप लोगों को भाई उल्लू नाम को जानते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तब मिल रही मैं आप लोगों को सुबह को, तो टाइम हो चुका सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो रात को तो आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग जो है मेहंदी से बहुत ज़्यादा लेट आए, लेट के मतलब सुबह के 4 बज गए थे। 4 बजे हम आए, फिर थोड़ी देर ऐसे बैठ रहे, तो 5 बजे लेटे, तो 5 बजे से 7 बजे तक अभी तक लेट रहे। तो अब जा रही मैं नीचे घर, बच्चे तो रात को ही चले गए थे, तो आज मैं अकेले अकेले जा रही हूँ। ये यहाँ पर अखरोट का पेड़, कल तो मेरे साथ कम से कम प्रिंस था, आज तो वो भी पहले ही जा चुका है रात का, तो आज मैं अकेले अकेले जा रही हूँ इन रास्तों से। तो दोस्तों मैं आ गई थी सादे से, और उसके बाद जो है तो मैं सीधा घर की सफाई में लग गई थी, और अभी मैंने नहा धो के मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अब फिर से उसी घर में खाना खाने जाना है, शादी वाले घर में, क्योंकि होता है 3 टाइम का खाना। जैसे परसों मेहंदी में भी थे, तो कल रात को शादी में थे, तो अभी भी है दिन का खाना वहीं। तो सुबह हमने नाश्ता पानी किया, और नाश्ता तो किया बच्चों ने, मैगी बना ली थी, मैगी खा ली थी हमने। तो उसके बाद मेरा नहाना धोना हुआ, और अब फिर वहीं जा रहे खाना खाने। तो खाना खाने जा रहे, मतलब उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।